अभी जो है 2100 वाला प्लान जो है ये खत्म हो रहा है। अभी हम एक नया प्लान चालू कर रहे हैं 5000 रुपए का, 5000 रुपीज का। इसमें दोस्तों क्या होगा कि आप डायरेक्ट हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, ऑफलाइन हमसे आके खुद विजिट करना चाहता है, मिलना चाहता है, हमारे ऑफिस में आना चाहते हैं, हमारे स्टाफ से मिलना चाहते हैं, हमारा ऑफिस देखना चाहते हैं और यहाँ पे आके अपने नजरों के सामने से रिश्ता लेना चाहते हैं, ये सुविधा भी है दोस्त। दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया और अच्छे होंगे। पिछले काफी दिनों से वीडियो नहीं आई है चैनल पे, जिसके वजह से आपने से बहुत सारे लोगों ने इस चीज को लेकर कंप्लेन किया था। मैं उसके पीछे का आपको कारण भी बताऊंगा और आज आपके लिए सबसे जो मेन खुशखबरी है वो आखिरकार क्या है। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं वो जानकारी आप तक साझा करने वाला हूँ जिसके वजह से हो सकता है कहीं कहीं आपका जो जीवन साथी खोजने को जो ड्रीम्स जो सपना है वो अधूरा अभी तक पड़ा हुआ है। मैं आपको वो बिल्कुल सटीक वो तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आने वाले एक महीने के अंदर में ही आप अपने जीवन साथी की जो तलाश है, शादी विवाह के रिलेटेड जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो बात को आप गौर से सुनिए, जो चीज आपको बता रहा हूं उस चीज को आप नोटिस कीजिए, क्या वो सही है क्या गलत है, और इस चीज को भी आप पॉइंट कीजिए कि कहीं ना कहीं आप भी तो यही गलती नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो मैं सब कुछ आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, इसलिए कह रहा हूं इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। जीवन साथी खोजने में अभी तक आप असफल क्यों हुए वो चीज आपको मालूम पड़ेगा और फाइनली वो तरीका आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस माध्यम से ये जो शादी विवाह करने को जो आपका ड्रीम्स जो सपना है या जो जीवन साथी की आप तलाश कर रहे हैं ये इसका बिल्कुल सटीक रास्ता क्या है, कैसे आप अपने लिए एक महीने के अंदर में ही अपना जीवन साथी ढूंढ सकते हैं, परमानेंट सोल्यूशन क्या है, 100% वास्तविक जमीनी स्तर पर इसकी इस समस्या का समाधान क्या है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए दोस्तों अभी तक अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रख लीजिए इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए। तो आइए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। सो दोस्तों मैं शुरुआत करता हूं कुछ ऐसी बेसिक चीज से, इंफॉर्मेशन से, जानकारी से जो आप डेली रूटीन में या डेली की जो आपके रोज की जो प्रतिक्रिया आप उसमें करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपको फीवर हो गया है, बुखार हो गया है, आपकी तबीयत खराब हो गई है, तो आप इस स्थिति में अपना जो है इलाज किससे करवाते हैं, यह सवाल मेरा आपके लिए। जाहिर सी बात है आप किसी एक प्रोफेशनल डॉक्टर के पास में जाते हैं या जिनके पास डिग्री है या जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास अनुभव है या जिनका क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, आप जो अपना ट्रीटमेंट है, आप जो अपना इलाज है वो उनके ही पास करवाएंगे जो व्यक्ति उस फील्ड से, उस क्षेत्र से रिलेट करता हो, मतलब संबंध रखता हो या उस कार्य में वो उनका प्रोफेशन ही वही हो। आपकी तबीयत खराब हो रही तो आप इलाज डॉक्टर के ही पास जाके करवाएंगे, ना कि आप एडवोकेट वकील के पास जाएंगे। अगर आपको अपने घर का मैप तैयार करवाना, नक्शा तैयार करवाना है तो जाहिर सी बात आप किसी लॉयर के पास नहीं जाएंगे, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप अपना घर का स्ट्रक्चर रेडी करवाने के लिए एक इंटीरियर डिजाइनर के पास में जाएंगे, सिविल इंजीनियर के पास में जाएंगे। गांव की बात में करूं तो आप एक मिस्त्री के पास में जाएंगे जो ईंटा गाराई का या फिर ईंट जुड़ाई का, चुनाई का काम करता हो, घर बनाने का काम करता हो, आप सलाह उससे लेंगे, उससे काम करवाएंगे। लेकिन वही गांव में आपके कोई प्रधान है या फिर ग्राम पंचायत के सदस्य या मुखिया जो भी आप कहते हैं, आप उनके पास नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका काम है लोगों को संबोधित करना, लोगों की समस्याओं के ऊपर ध्यान देना, ना कि ईंट जोड़ने का या घर बनाने का। दो तीन एग्जांपल और ले लेते हैं। बाई दफे कभी कोई पुलिस केस हो गया, कोई मर्डर हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई चोरी हो गया, तो उस स्थिति में आप किसके पास जाएंगे? यदि आपके लाइफ में घर में कोई एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गया या रोड पे एक्सीडेंट हो गया, इस स्थिति में आप किसके पास रिपोर्ट लिखाने जाएंगे? पुलिस स्टेशन में जाएंगे, एफआईआर वहां करवाएंगे, आपके खिलाफ आपके आपके साथ में किसी प्रकार का अपराध हुआ है,
आप अपने रिश्तेदार के पास नहीं जाएंगे, आप अपने पिता के पास नहीं जाएंगे, आप अपने चाचा के पास नहीं जाएंगे, आप अपने दोस्त के पास नहीं जाएंगे। कहां जाएंगे? पुलिस स्टेशन जाएंगे, थाने जाएंगे, चौकी में जाएंगे, साइबर क्राइम का जो ऑफिस है वहां जाएंगे, इंस्पेक्टर से मिलेंगे, आईएएस आईपीएस अधिकारी से मिलेंगे, वहां पे आप जिला जो न्यायालय होता है आप वहां पे जाएंगे। बात नहीं समझ में आ रही ना दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आज क्या बात कर रहा हूं और ये सारी बातें करने के पीछे कारण क्या है? सब्र रखिए, आपको अच्छे से इत्मीनान से समय लेके आपको समझाऊंगा, ताकि आज अगर एक बार आपको बात समझ में आ गई तो जिंदगी में जो अभी तक आप भटक रहे, जो आपका लाखों लोग पैसा वक्त समय बर्बाद कर चुके हैं, उन सबका समाधान आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। 100 की सीधी एक बात कहूं, यदि आपके लाइफ में किसी प्रकार की कोई समस्या और उसका समस्या का समाधान आपको वही व्यक्ति दे सकता जो ऑलरेडी उस प्रोफेशन में हो, जो उस काम को कर रहा हो। आप बीमार है तो डॉक्टर पास इलाज करवाएंगे, अगर आपको घर बनाना है तो आप सिविल इंजीनियर के पास जाएंगे। इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी बातें हैं। आपको अगर बाल कट करवाना है ना तो आप हलवाई के पास नहीं जाएंगे, आप कहां जाएंगे? नाई के पास जाएंगे जो आपका बाल कट करता हो, सैलून में जाएंगे, आप हलवाई की दुकान पर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये डेली काम आप रोज करते हैं और ये चीज आपने समाज से सीखा है। लेकिन वहीं पे एक बात आपको समझ नहीं आती, जब साला आप जिंदगी में शादी विवाह करना चाहते हैं, जब आप अपनी लाइफ में जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आप कहां जा रहे हैं? ये आपको मालूम भी है क्या? आपके बॉडी के अंदर में अगर समस्या है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, वही व्यक्ति आपका सही इलाज कर सकता है। हलवाई नहीं कर सकता, नाई नहीं कर सकता, दर्जी नहीं कर सकता, एक ड्राइवर नहीं कर सकता, जब भी इलाज करेगा एक डॉक्टर करेगा। लेकिन नहीं, इस चीज को आप जानते हैं, लेकिन वहीं पे जहां आप जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उस स्थिति में आप कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हैं? वो डॉक्टर जो झोला छाप है, जो सिर्फ वीडियो में बातचीत करता है, वास्तविकता कुछ ऐसी नहीं रहती, सिर्फ आपको फोटो दिखाता है, आपके व्हाट्सएप पे फोटो भेजता है, या फिर आपके आपको फोन पे बात करवाता है। आप ऐसे झोला छाप के डॉक्टर के चक्कर में पड़े हैं आप, और कहीं ना कहीं जब वो व्यक्ति धोखा फ्रॉड स्कैम करता है, पैसा लेके भाग जाता है, या फोटो भेज के फोन स्विच ऑफ कर देता है, या आपको गलत नंबर या गलत इंफॉर्मेशन आप तक साझा करता है, तो फिर आप क्या कहेंगे? हमारे साथ में धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है, हमें तो लूट लिया किसी ने, हमें तो जीवन साथी मिल ही नहीं रहा, हमें तो भरोसा नहीं है, हमें तो डॉक्टर के ऊपर भरोसा नहीं। आप यही तो सारे शब्द कहेंगे, लेकिन आप कभी इस चीज को अपने बॉडी के अंदर में या अपने थॉट्स अपने दिमाग से झांक कर, अपनी आंखों से अपने शरीर के अंदर में झांकते नहीं, देखते नहीं है, और बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, और इसलिए आपको कोई बात समझ में आती नहीं, और सारी दुनिया आपको गलत, एक फ्रेम, एक झूठा, यही सब लगता है। भाई साहब, अगर आपको लाइफ में जीवन पार्टनर चाहिए तो आप ऐसे व्यक्तियों से क्यों सलाह ले रहे हैं जो ऑलरेडी उस प्रोफेशन में नहीं है? अगर आपको शादी विवाह करना है तो या तो आप डायरेक्ट जो ऑफिस होता है वहां पे जाइए, वहां पे पेमेंट करने के बाद वहां जीवन साथी खोजिए। क्यों? क्योंकि ऑफिस वाला व्यक्ति आपके साथ में चीटिंग नहीं करेगा, फ्रॉड नहीं करेगा, या फिर यूट्यूब या सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी कंपनी के माध्यम से आप जीवन साथी की तलाश करना चाहते हैं तो जो रजिस्टर कंपनियां हैं आप उनके साथ में जाइए, जैसे शादी.com, जीवन साथी, भारत मैट्रिमनी, यहां पे आपके साथ में धोखा फ्रॉड स्कैम नहीं होगा। लेकिन अगर आपने झोला छाप जो मैरिज ब्यूरो वाले जो यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, सुंदर सुंदर फोटो या पिक्चर या फिर बात करवाते हैं, आप इनके चक्कर में पड़ेंगे और इनके यहाँ पैसा देंगे, इनके यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो आपको रिश्ता नहीं मिलेगा, रिश्ते के आड़ में हमेशा आपको धोखा मिलेगा, और कहीं ना कहीं अभी तक आप यही कर भी रहे हैं। अब मैं एक दूसरा रीजन आपको बताता हूं, आप में से कुछ व्यक्ति हैं जो सही जगह तो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, सही व्यक्ति के पास जाते हैं, सही डॉक्टर के पास तो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर जिस हिसाब से कहते हैं कि दवा लेना है उस नियम को फॉलो नहीं करते, और फिर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता, तो फिर कहते हैं कि डॉक्टर गलत। मैं बात को सरल और स्पष्ट कहूं, यदि आपने हमारे यहां रजिस्ट्रेशन करवाए और हमने आपको उससे रिलेटेड आपको सर्विस दे रहे हैं, फिर आपको कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करें, मोबाइल नंबर प्रोवाइड करें, जो भी
बातें आप तक साझा कर रहे हैं आपके नंबर पे। मान लीजिए आपने हमारे यहाँ रिश्ते के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, फीस पेमेंट किया और हफ्ते 10 दिन बाद हम कोई रिश्ता आप तक साझा कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि उस नंबर पे या उस रिश्ते पे आप डायरेक्ट ऑन द स्पॉट फोन लगाते हैं। जैसे ही आपके पास कोई नंबर जाता है, आप उस नंबर को डायल करके, जी नमस्कार, मैं शादी करना चाहता हूं, मैं यहां से बात कर रहा हूं, वहां से बात कर रहा हूं, और ऐसा ऐसा है, कृपया आप अपनी जानकारी दीजिए। यही चीजें आप ऐसा सामने वाले व्यक्ति से करते हैं। आप मुझे बताइए, आप मार्केट में तो नहीं गए ना, ये किसी मोबाइल की दुकान पे तो नहीं गए ना कि भैया मुझे वो मोबाइल दिखा दो, और मोबाइल का कितना रेट है, कितनी इसकी पावर, कितनी क्षमता है, अच्छा ठीक है 2000 हो रहा है, 200 रुपया कम कर दो, 1800 ले लो, लाओ मोबाइल दे दो। भाई साहब, आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे ना, आप एक जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं ना। जीवन साथी मतलब आप समझते हैं, जो जिंदगी भर आपका साथ दे, और आप चाहते हैं कि आपको चंद मिनट में मिल जाएगा। आप फोन करो, लड़के पक्ष वाले डायरेक्ट बोलते हैं, हाँ भैया आपके साथ में रिश्ता करना है मुझे, ऐसा कभी संभव हुआ है क्या? आप अपनी छोड़िए, अपनी बहन के लिए अगर कोई रिश्ता देखने के लिए जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि लड़का जो है सामने पक्ष वाला, वो तुरंत आपको कहेगा कि हाँ ठीक है मैं कल से आपके बहन के साथ में शादी करना चाहता हूं? नहीं। आपकी अगर कोई बेटी होगी, आपकी अगर कोई बेटी है, अगर कोई लड़का आपको फोन करके बोलेगा कि सर ऐसी सी बात है, मैं यहां से रहने वाला ये सब करता रहता हूं, मुझे आपकी बहन बेटी से शादी करना है या आपकी बहन से शादी करना है, तो आप मुझे एक बात का जवाब दो, क्या आप उस वक्त ऑन द स्पॉट उसको हां कहेंगे कि भैया ठीक है? और यही गलती आप करते हैं। जब भी आपके पास जानकारी जाती है, जब भी आपके पास नंबर जाता है, तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए उस नंबर को आप अपने फोन में सेव कीजिए, उस पर एक अपना बायोडाटा जो ऑलरेडी आपके पास है, जो बना हुआ है या जो आपने बनवाया है, नहीं बनवाया तो जाके किसी भी जनसेवा केंद्र पे जहां से आप पेमेंट ट्रांसफर करते, जहां से आप पैसा भिजवाते, अकाउंट में डलवाते, जहां पे आप अपना पेपर वर्क या जीरोक्स या फोटो कॉपी करने का काम करते, उनके यहां आप जाएंगे, उनको कहिए भैया मुझे एक अपना बायोडाटा बनाना है, रेज्यूम बनाना है, बायोडाटा बनाना है। वो व्यक्ति एक आपको बायोडाटा बना के दे देगा। बायोडाटा का मतलब हो गया कि दोस्तों एक पेपर पे आपकी सारी जो जानकारी है वो लिख कर आपको दे देगा, और ये जो रेज्यूम, ये जो जानकारी है, ये आप उस नंबर पे जो हमने आप तक भेजा, उस नंबर पे आपको, उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड कर देना है, भेज देना है। और जब वो सामने वाला व्यक्ति आपके रेज्यूम को देखेगा, अगर आपके प्रोफाइल बंदे को पसंद आती, सामने वाले व्यक्ति को, घर के गार्जियन को, महिला को या फिर लेडीज को पसंद आती है, वो उधर से आपको फोन करेंगी या आपको मैसेज का रिप्लाई देंगे कि ठीक है सर, हमें आपकी प्रोफाइल पसंद आई है, लेकिन हम थोड़ा और कुछ जानकारी आपसे लेना चाहते हैं। इस सिलसिले में दोस्तों आप अपनी जानकारी उन तक साझा कीजिए, और उनकी जो जानकारी, उनका जो फोटो है या उनकी जो भी बायोडाटा है, अगर आपको चाहिए तो आप मंगा सकते हैं अपने पास, और फिर आपका रिश्ते का जो काम है, जो शादी विवाह, जो जीवन साथी खोजने को जो काम है, यहां से कहानी स्टार्ट होगी जेन्युइन और वास्तविक तरीके से, जो अगले एक महीने के अंदर में चल के आपका जीवन साथी खोजने का जो ड्रीम्स, सपना, ये कंप्लीट हो सकता है। लेकिन आप में से 90% लोग इस नियम को, इस तरीके को फॉलो ही नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि कपड़े की दुकान पे रवि सर एक कपड़े वाले हैं, और जिनके यहाँ पे उन्होंने 2100 पेमेंट भेजा है, और रवि सर उनको वो कपड़ा उठा के दे दे। भाई साहब, हमारे यहाँ पे रिश्ता लगाने का, शादी विवाह कराने का काम होता, जोड़ियों को मैच कराने का, प्रोफाइल मैच कराने का काम होता है, जीवन साथी के सिलेक्शन का, एक दूसरे से मीटअप कराने का, मैच कराने का काम होता है हमारे यहाँ पे। हम कपड़ा नहीं सेल कर रहे हैं बॉस, मार्केट में सब्जी लेके नहीं बैठे हैं। तो आपसे एक निवेदन है कि अगली बार वापस कमेंट सेक्शन में इस प्रकार का सवाल लिखने से पहले, इस प्रकार का कमेंट लिखने से पहले आप 10 बार खुद सोच लीजिए, क्या वो तरीका आप फॉलो कर रहे हैं जो तरीका मैंने अभी आपको बताया, और आज से लगभग 15-20 दिन पहले भी आपको बताया था, और उससे भी 2 महीना पहले आपको बताया था, क्या आप वो तरीका फॉलो कर रहे हैं, वो तरीका अपना रहे हैं, जिस तरीके से 90 आज के डेट में जो हमारे पास, हमारे माध्यम से 150 से एवं 150 से लगभग अधिक जो शादियां हुई हैं, जिन लोगों का घर बसा है, जिन लोगों का भी बातचीत चल रही है, उनके भी पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों ने इस तरीके से बात किया, और अगले आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन के 1 महीने के अंदर में सामने से रिश्ते के बारे में मतलब वेरीफाई हो गया कि हाँ ठीक है, हमें आप पसंद है और आपके साथ में शादी विवाह करना है।
लेकिन आप वैसा नहीं करते, यही तो सबसे मेन बड़ा कारण है। दोनों बातों को मैंने आपको स्पष्ट समझा दिया। पहली बात तो आप ऐसे व्यक्ति के पास में जाए या ऐसे व्यक्ति के यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाए जो वास्तविक हो, जो जेन्युइन हो। आप अपना शरीर का इलाज, अपनी समस्या का इलाज तभी करते हैं, उस व्यक्ति के पास जाते हैं जो डॉक्टर हो ना। आप हलवाई के पास तो नहीं जाएंगे, जो कपड़ा सिलता है, दर्जी है उसके पास तो नहीं जाएंगे, जो पंचर बनाने वाला व्यक्ति है उसके पास नहीं जाएंगे। भैया आप जब भी जाएंगे तो अपने समस्या का समाधान करने के लिए एक डॉक्टर के पास जाएंगे, एक प्रोफेशनल के ही पास जाएंगे। उसी प्रकार से बात अगर समझ में आई, अगर शादी विवाह रिश्ता करना है तो दुनिया भर की ये जो वीडियो पड़ी है, जो लोग पड़े हैं, जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, जो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जो चीटिंग कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, इनके चक्कर में मत आओ। क्यों? क्योंकि इनके चक्कर में आप पड़ेंगे तो आप अपना पैसा, वक्त, समय सब कुछ बर्बाद कर लेंगे। और फिर उसी बीच अगर कोई सही व्यक्ति आपको मिलेगा तो आप उसको भी डाउट भरी निगाह से देखेंगे और फिर जिंदगी भर आप ऐसे अकेले ही रह जाएंगे। बात अगर समझ में आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रख लीजिए। और सबसे एक जो लास्ट मेन बात कहना था वो ये कहना था दोस्तों, अभी जो है 2100 वाला प्लान जो है ये बंद होने वाला है, ये आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर में, एक हफ्ते के अंदर में आसपास में ये भी प्लान 2100 रुपए का बंद हो रहा है। अभी हम एक नया प्लान चालू कर रहे हैं 5000 रुपए का, 5000 रुपीज का। इसमें दोस्तों क्या होगा कि आप डायरेक्ट हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। आपके लिए खुशखबरी दोस्तों, बहुत समय से प्रिपरेशन कर रहा था, तैयारी कर रहा था, और तैयारी करने के बाद, प्रिपरेशन करने के बाद, सारा सिस्टम सेटअप करने के बाद ये फाइनली आज वीडियो के माध्यम से अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि आने वाले, हो सकता है 10 तारीख या 11 तारीख से मैं ऑफिशियल तरीके से डिक्लेयर कर दूं, घोषित कर दूं, घोषणा कर दूं कि आप में से जो भी व्यक्ति हमारे वीआईपी जो प्लान है 5100 रुपए के, या तो अंतर्गत आपने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं तो आप ऑफिस आ सकते हैं, या दूसरी बात आप करवाना चाहते हैं तो आके भी करवा सकते हैं, या आप पहले करके अगर आना चाहते हैं, पहले पेमेंट भेजने के बाद आप आना चाहते हैं तो उसके बाद भी आ सकते हैं। सीधा और स्पष्ट कहूं तो आने वाले 10 तारीख से या 11 तारीख से मैं आपको वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन दे दूंगा, सूचना मिल जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आने वाले 10 तारीख से मान लीजिए जो व्यक्ति ऑफलाइन हमसे आके खुद विजिट करना चाहता, मिलना चाहता, हमारे ऑफिस में आना चाहते, हमारे स्टाफ से मिलना चाहते हैं, हमारा ऑफिस देखना चाहते हैं और यहाँ पे आके अपने नजरों के सामने से रिश्ता लेना चाहते हैं, ये सुविधा भी है दोस्तों। बस ये है, इसके लिए आपको या तो एडवांस में बुकिंग करवाना पड़ेगा, या तो एडवांस में आप रजिस्ट्रेशन आज के या कल के डेट में करवा लीजिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसके बाद अपॉइंटमेंट मिलना फिक्स है कि नहीं फिक्स है ये कंफर्म नहीं है। अपॉइंटमेंट का मतलब आप समझिए, मान लीजिए अगर ट्रैफिक हमारे पास लोगों की जो है लिस्ट ज्यादा है जो ऑफिस विजिट कर रहे हैं, और इस स्थिति में अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं होगा, या फिर हो सकता है आपको 10 दिन 15 दिन के बाद का समय आपको दिया जाए, तो उससे अच्छा है कि आप फोन कीजिए। जो हमारा ऑफिस का नंबर है 9137814012, लास्ट में जो 4012 नंबर दोस्तों, इस पे ही आपको फोन पे, गूगल पर, पेटीएम, इस पे ही आपको पेमेंट भी ट्रांसफर करना है। और पैसा भेजने से पहले नाम वेरीफाई जरूर कर लिया करो। मेरा नाम है रवि कुमार, सन ऑफ श्री राम, रवि कुमार और पिताजी का नाम है श्री राम, ये है मेरा पूरा नाम, और लास्ट में जो मेरा मोबाइल नंबर है 4012। अच्छा, मोबाइल नंबर भी पूरा ही देख लिया करो। क्यों? क्योंकि हो सकता है दोस्तों 4012 किसी और भी व्यक्ति का मोबाइल नंबर, इसलिए नंबर जो है पूरा समझा करो, 9137814012। नीचे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है नंबर को दो बार चेक कर लिया करो, नाम को दो बार चेक कर लिया करो, उसके बाद पेमेंट भेजने के बाद फोन करके आप तुरंत बता भी दीजिए, और तुरंत दोस्तों उसका एक स्क्रीनशॉट भी आप हमारे लास्ट में जो 4012 नंबर है इस पे आप स्क्रीनशॉट भी भेज दीजिए। एक बात मेरी याद रखिएगा दोस्तों, यदि आपने हमारे नंबर के अलावा 9137814012, 9137814012 इस नंबर के अलावा, नाम रवि कुमार, यदि आपने इस नंबर के अलावा आपने किसी भी व्यक्ति को पेमेंट भेज रहे हैं, फिर वो हमारे ऑफिस का कोई व्यक्ति आपसे ये कहे या फिर कोई दूसरा व्यक्ति आपसे कहे, यदि आप
इस नंबर के अलावा आप किसी भी नंबर पे या किसी भी नाम पे या किसी के अकाउंट में आप पेमेंट भेज रहे हैं तो ये वैलिड नहीं है, ये मान्य नहीं है। ये मैंने कम से कम यूट्यूब पे 15 से 20 वीडियो में कह चुका हूं। इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ फोन करता है और कहता है कि हम रवि सर के ऑफिस से बात कर रहे हैं और आप इस नंबर पे पेमेंट भेज दीजिए, तो दोस्तों आप जब तक आपको नाम स्पष्टीकरण नहीं हो जाए, नाम रवि कुमार सन आप श्रीराम, दूसरा मोबाइल नंबर को आप एक बार नहीं दो बार चेक कीजिए। मोबाइल नंबर यही होना चाहिए दोस्तों जो नीचे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 9137 81 40 12। इसके अलावा अगर आपने किसी भी नंबर पे आपने पेमेंट ट्रांसफर किया तो इस स्थिति में जो आपकी पेमेंट मान्य नहीं होगी, हम आपको सर्विस नहीं उपलब्ध करा पाएंगे। क्योंकि दोस्तों आज के डेट में हमारे नाम से बहुत सारे लोग धोखा फ्रॉड स्कैम कर रहे हैं, तो कृपया उनसे बच के रहने की ये जिम्मेदारी आपकी है। हम किस अकाउंट में पेमेंट ले रहे हैं, हम किस मोबाइल नंबर पर पेमेंट ले रहे हैं, ये चीजें मैंने आपको सब स्पष्ट बता दिया हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ख्याल रखिए आप अपना।